हिमाचल प्रदेश की बाकी खबरें हम आपको सुपर फास्ट अंदाज में बताते हैं। हमीरपुर में जेसीसी बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने की। अलग अलग विभागों को समस्याओं के अलावा स्कीमों को अमली जामा पहनाने के लिए को लेकर भी कर्मचारियों को आदेश दिए गए। सिरमौर में 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कमान संभालेंगे भागीदारी अभियान में किसान। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में एमसीए जून महीने में लोगों को सेवाएं देना करेगा शुरू। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां की पूरी। कुल्लू में 82 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी नई सड़कें और पुल। 62 किलोमीटर तक नई सड़कों का होगा निर्माण। नालागढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस टीम सतर्क। थाना प्रभारी श्यामलाल ने गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी के बाद बरामद की 18 पेटी शराब। सोलन में खेती के बाद अब दूध बेचने से लोग भी परेशान। किसानों को नहीं मिल रहा दूध का सही दाम। बिलासपुर में एचआरटीसी का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन। दूसरे दिन चालकों ने समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। कुल्लू में लोक निर्माण विभाग ने किया भूतनाथ पुल के पिलर का डिजाइन। 31 अगस्त तक होगी वाहनों की आवाजाही शुरू।